हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ओके, तो बेंजीन की स्ट्रक्चर सबसे पहले किस तरह से डिटरमाइन की गई वो हम देखेंगे। स्टार्टिंग जो इनिशियली अगर बात करें तो हमें सिर्फ पता था इतना कि बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। अब ये फॉर्मूले में जो कार्बन और हाइड्रोजन है ये किस तरह से अरेंज रहते हैं, कितने डबल बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं कि क्या होता है, अरेंजमेंट कैसा होता है, ये लीनियर स्ट्रक्चर होती है या फिर ये साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है, कुछ आइडिया नहीं था, सिर्फ फॉर्मूला पता था। ठीक है, तो बहुत सारे जो है वो आइडियाज लगाए गए कि कैसी इसकी स्ट्रक्चर हो सकती है, उसके लिए बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए और फाइनली जो है जाके पता चला कि भैया बेंजीन की जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरीके की होती है। ओके, कुछ इस तरीके की होती है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की अगर बात करें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो ये है इसका। ओके, सबसे पहला जो अजम्पशन था कि क्या हो सकता है, तो पहले पहले कहा गया कि अगर ये ओपन चेन हो, यानी कि ये जो C6H6 है ये ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाए, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि किस तरह की ओपन चेन ये बना सकती है। तो यहाँ पे कुछ लिखती हूँ मैं, यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर किस तरह से होती है। ये एक्चुअल में ऐसी होती नहीं है, बस थोड़े से जो बैठे बैठे कोई होता ना, अरे ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है, तो बस वैसे ही आइडियाज लगाए गए कि ये किस तरह से हो सकता है, होता है कि नहीं होता है ये पता नहीं था। ठीक है, तो पहली स्ट्रक्चर तो ये थी। दूसरी कौन सी थी, दूसरा क्या आइडिया लगाया गया कि अरे ये ऐसे भी तो हो सकती है स्ट्रक्चर, क्या पता ऐसी स्ट्रक्चर हो इसकी। ठीक है, बेंजीन की क्या पता ऐसी स्ट्रक्चर हो। ये फिर कहा कि चलो ये भी है, चलो ठीक है, कुछ ऐसी भी तो हो सकती है स्ट्रक्चर, देखो ये भी तो पॉसिबिलिटी है। इस जो चेन है ये तीनों, इन सब में जो है 6 कार्बन है और 6 ही यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये भी स्ट्रक्चर हो सकती है। ठीक है, 6 कार्बन है और 6 ही हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, राइट। तो ये जो है तीनों स्ट्रक्चर जो है वो सजेस्ट की गई कि ये हो सकती है। उसके बाद जो है सिर्फ कहने से तो कुछ नहीं होता, आपको प्रूव भी करना पड़ेगा कि ये हो सकती है क्या, एक्चुअल में ऐसा ही है, प्रूव दो हमें। तो फिर जो है बहुत सारे रिएक्शंस किए गए, एक्सपेरिमेंट्स किए गए, और पहली जो रिएक्शन करवाई गई, यानी कि एक्सपेरिमेंट ही कहे आप, ओके, पहला एक्सपेरिमेंट किया गया यहाँ पे, इन्होंने रिएक्शन करवाई इसकी, ये जो हमारे पास C6H6 था जिसकी हमें स्ट्रक्चर नहीं पता थी, तो इन्होंने इसका करवाया हैलोजिनेशन। क्या करवाया, हैलोजिनेशन। तो जब इन्होंने हैलोजिनेशन करवाया तब पता चला कि जो प्रोडक्ट मिला है हमें ये बेंजीन हेक्साहैलाइड मिल गया। जब हमने हैलोजिनेशन करवाया बेंजीन का तब ये बेंजीन हेक्साहैलाइड मिल गया हमें, बेंजीन हेक्साहैलाइड मिल गया, हैलाइड मिल गया। ठीक है, अब यहां से पता चला कि बेंजीन हेक्साहैलाइड भैया कैसे मिल गया, क्योंकि अगर आपको ये जो स्ट्रक्चर क्या है, अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर है, ये सारी की सारी ABC, ये सारी की सारी स्ट्रक्चर क्या है, अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर है, अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर है, अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर है, राइट। अब ये कह रहा है कि ऐसा है, देखो ये है अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर, अगर इनका सैचुरेशन करवाना है, अगर इनका सैचुरेशन करवाना है स्ट्रक्चर का, तो कितने हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होंगे, 8 हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होंगे, 8 हाइड्रोजन यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे, और अगर सैचुरेशन करवाना भी है तो यहाँ पे आपको 8 भी क्लोराइड चाहिएंगे, अगर हाइड्रोजन नहीं तो 8 क्लोराइड तो चाहिएंगे। ठीक है, पर ऐसा हुआ नहीं, हमें देखने को मिला कि ये कंपाउंड हमारा सैचुरेटेड तो है, इस कंपाउंड में कोई भी
डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। सैचुरेशन का मतलब क्या होता है कि कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता, और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हमारे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। तो यहां से पता चला कि देखो बेंजीन हेक्साहैलाइड बन गया है हमारे पास, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भैया यहाँ पे है नहीं, यानी कि ये तो सैचुरेटेड स्ट्रक्चर है हमारी, सैचुरेटेड स्ट्रक्चर है। पर सैचुरेशन के लिए तो हमें क्या चाहिए, 8 क्लोराइड चाहिए। अगर हेक्सीन के क्लोराइड यहाँ पे ना कहूँ तो यहाँ पे मैं लिख दूं कि 8 हेलोजन चाहिए भैया है, तो क्या होगा फिर, 8 चाहिए पर यहाँ तो 6 से ही काम चल गया, तो फिर यहाँ पे थोड़ा कहा गया कि क्या पता ऐसा है कि नहीं, पॉसिबल नहीं है शायद इन तीनों में से कोई स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे इस ट्रिपल बॉन्ड और इस ट्रिपल बॉन्ड पे रिएक्शन कराए तो भी हमें पूरे सैचुरेशन के लिए यहाँ पे कम से कम हमें 8 तो हेलोजन चाहिए ही चाहिए सैचुरेट होने के लिए, ठीक है। तो फिर चलो वो बोले कि चलो आगे देखते हैं, और उन्होंने रिएक्शन करवाई ओजोन के साथ यहाँ पे, ये देखो C6H6 और 3 ओजोन के अणु आए। अब यहाँ पे 3 ओजोन के अणु आए और उन्होंने बनाया C6H6O9। अरे ये क्या हो गया, कैसे पॉसिबल है O9 का आना, क्या यहाँ पे एक ओजोन जुड़ सकता है, क्या O9 पॉसिबल है किसी भी तरह से। एक ओजोन अगर एक डबल बॉन्ड को निकाल के जुड़ेगा भी तो ये कुछ इस तरह से जुड़ेगा, यहाँ पे दूसरा डबल बॉन्ड तोड़ के जुड़ेगा तो कुछ इस तरह से जुड़ेगा, ठीक है, फिर यहाँ पे भी जुड़ेगा, तो हमें तो 4 चाहिए ना यहाँ पे, इसको सेटिस्फाई करने के लिए हमें 4 ओजोन के अणु चाहिए, पर यहाँ पे तो 3 से ही काम चल गया, और यहाँ पे ये ओजोन ने इनके साथ बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे भी हमें 4 चाहिए, यहाँ पे भी कितने चाहिए, यहाँ पे भी हमें 4 चाहिए, 2 तो यहाँ, 1 और 1 यहाँ, तो 4 ओजोन के अणु नहीं होते तब तक ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती। पर हमें यह पता चला कि ये तो 3 से ही काम चल गया है, रिएक्शन हो गई है और सैचुरेटेड लगभग स्ट्रक्चर हमारी बन गई है, तो फिर क्या हो, अब यहाँ से भी ये कंफर्म नहीं हो रहा कि इनकी स्ट्रक्चर ABC जैसी होनी चाहिए थी, राइट। फिर आया तीसरा एक्सपेरिमेंट, क्योंकि एक करके तो नहीं कह सकते ना आप, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो सकता है कोई दूसरे फैक्टर यहाँ पे काम कर रहे हो, तो एक रिएक्शन या एक बार एक्सपेरिमेंट करके तो कुछ नहीं है आप आइडिया लगा सकते, तो अलग अलग उन्होंने जो है रिएजेंट्स यूज किए यहाँ पे, अलग अलग रिएक्शंस करवाए और सबसे लगभग एक ही बात पता चल रही थी कि भैया ये ABC जैसी स्ट्रक्चर यहाँ नहीं पॉसिबल है किसी भी तरह से, ये स्ट्रक्चर तो नहीं पॉसिबल है। अब इन्होंने करवाया हाइड्रोजनीकरण, ठीक है, हाइड्रोजिनेशन करवा दिया बेंजीन का। अब जब हाइड्रोजिनेशन करवाया तो भी हमें क्या चाहिए, हमने कहा हमें सैचुरेशन के लिए 8 अणु तो चाहिए हाइड्रोजन के भी, 8 अणु तो हाइड्रोजन के चाहिए, तो यहाँ पे तो 6 अणु से ही काम, 6 परमाणु से ही काम चल गया, यानी 3 अणु ही काम में लिए हमने हाइड्रोजन के और उसी से सैचुरेट हो गया हमारा C6H5, यानी कि यहाँ पे क्या बन गया ये 6 हाइड्रोजन और जुड़ गए तो ये C6H12 और ये बन गया हमारा साइक्लोहेक्सेन। ये इसका लिख लेना नाम, ये है हमारा बेंजीन ट्राई ओजोनाइड, बेंजीन ट्राई ओजोनाइड, ठीक है। तो ये हो गया, अब ये साइक्लोहेक्सेन बन गया, और साइक्लोहेक्सेन हमारी क्या है, सैचुरेटेड स्ट्रक्चर है, ये तो सैचुरेटेड स्ट्रक्चर है। अब हम कह रहे हैं कि नहीं जी हमें तो यहाँ पे सैचुरेशन के लिए ये C6H5N H6 है ना, इसके सैचुरेशन के लिए 8 हाइड्रोजन या 8 एटम चाहिए थे, पर ये तो 6 से ही सैचुरेट हो गया है। तो यहाँ से एक आइडिया लगाया गया कि नहीं, ये जो हमने तीनों स्ट्रक्चर जो सोची है ये ABC ये नहीं पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि कोई भी रिएक्शन या कोई भी एक्सपेरिमेंट इन स्ट्रक्चर्स को जो है वो अलाउ नहीं करता है कि ये हो सके, क्लियर है इतना। तो फिर आगे फिर और सोचा गया कि चलो यहां से ये तो कंफर्म हो गया कि बेंजीन स्ट्रक्चर, बेंजीन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर
इज नॉट अ ओपन चेन स्ट्रक्चर. ओपन चेन स्ट्रक्चर क्योंकि ओपन चेन में वही तीन पॉसिबिलिटी थी कि अगर हमारी बेंजीन की स्ट्रक्चर ओपन चेन स्ट्रक्चर है तो वही तीन पॉसिबिलिटी थी, इन्हीं तीन तरीके से ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है वो बन सकती थी. तो यहां से कंफर्म हुआ इन तीनों एक्सपेरिमेंट से कि भैया ऐसा है कि बेंजीन की ओपन चेन स्ट्रक्चर तो नहीं हो सकती. तो क्या हो सकती है फिर? तो हम कहेंगे इट कुड बी साइक्लिक और रिंग स्ट्रक्चर. ठीक है, ये साइक्लिक या रिंग स्ट्रक्चर हो सकती है, अभी हमें पता नहीं है कुछ भी. ठीक है, पर ये ओपन चेन तो नहीं हो सकती है, ये कंफर्म हो गया हमें. तो ये साइक्लिक या फिर वो हो सकती है, रिंग स्ट्रक्चर हो सकती है. क्लियर है इतना? ठीक है, तो उससे पहले साइक्लिक और रिंग स्ट्रक्चर या फिर रिंग स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने से पहले और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो ये डिसाइड कर रहे थे कि यहाँ पे इस बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड जो होंगे उनका व्यवहार बिल्कुल अलग होता है एल्कीन वाले डबल बॉन्ड से. ठीक है, यहाँ पे बेंजीन के जो डबल बॉन्ड होंगे उनका व्यवहार बिल्कुल असामान्य होता है रेगुलर डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर से. क्यों? ये हम देखेंगे. ठीक है, पर इससे पहले एक और बात आई यहाँ पे, क्योंकि हमें ये तो पता चल गया है, यहाँ से इन रिएक्शन से ये भी पता चल गया है. रिएक्शन से क्या क्या पता चला? कि भैया ये ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि यहाँ सैचुरेशन नहीं हो रहा, 8 जो हमें चाहिए उससे नहीं हो रहा, 6 से ही काम चल रहा है. तो ये हमें यहाँ से पता चल गया कि ओपन चेन नहीं है. साथ ही साथ यहाँ से और क्या पता चला है? और ये पता चला है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है. इनसे क्या पता? क्योंकि अगर डबल बॉन्ड नहीं होते तो हेलोजिनेशन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, हाइड्रोहेलोजिनेशन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, यहाँ पे ओजोनोलाइसिस होने का सवाल ही पैदा नहीं होता. ठीक है, क्योंकि अगर अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर नहीं है तो सैचुरेटेड होगी कैसे? ऑलरेडी सैचुरेटेड अगर स्ट्रक्चर है हमारी तो कोई रिएक्शन ही नहीं होनी यहाँ पे. इस तरह की अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर है तभी रिएक्शन हो सकती है. और जिस तरह से इन्होंने 6 एटम्स के साथ ही रिएक्ट किया है उससे ये भी कंफर्म हो गया कि यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड है उसकी एग्जिस्टेंस भी नहीं है. क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड अगर होता तो यहाँ दो बार रिएक्शंस होती. ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड की एग्जिस्टेंस भी यहाँ पे नहीं है. यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है उससे साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे एग्जिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड की है. और वो डबल बॉन्ड भी कितने हैं? वो डबल बॉन्ड भी 3 ही है. क्योंकि अगर 3 डबल बॉन्ड हुए तभी 6 हेलोजन रिएक्ट कर सकते हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि एक बॉन्ड पे अगर ये ब्रेक होगा तो 2 हेलोजन जुड़ेंगे. तो अगर 3 डबल बॉन्ड होंगे तो 6 हेलोजन जुड़ेंगे. तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि यहाँ पे भी ये कितने 6 हेलोजन जुड़े हुए हैं यहाँ पे भी. ठीक है, यहाँ पे भी 6 हेलोजन जुड़े हुए हैं. यहाँ पे 2-3 डबल बॉन्ड, यहाँ पे देखो इसका थोड़ा कैसा लगे. ओजोन में हमें पता है कि ये इस तरह से होता है और ये इस तरह से जुड़ता है. तो जब एक बॉन्ड टूटता है ना तो एक मॉलिक्यूल जुड़ता है. तो यहाँ पे 9 है, यानी कि 3 मॉलिक्यूल जुड़े हैं तो 3 बॉन्ड टूटे हैं. वो भी 3 बॉन्ड कैसे टूटे हैं? डबल बॉन्ड टूटे हैं. क्योंकि अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो सिर्फ 3 मॉलिक्यूल से काम नहीं चलता, और भी मॉलिक्यूल चाहिए होते. ठीक है, तो यहां से ये भी कंफर्म हो गया कि ये तो क्या है, इसमें ये हमारी सिंगल ओपन चेन भी नहीं है, ये हमारी जो है वो ट्रिपल बॉन्ड युक्त स्ट्रक्चर भी नहीं है. इसमें जो है हमारे पास 3 तो डबल बॉन्ड है. अब वो अरेंज कैसे है हमें नहीं पता, पर रिएक्शन से तो यही पता चल रहा है कि 3 यहाँ पे डबल बॉन्ड है भैया और ओपन चेन ये नहीं है. तो हम यहाँ आगे देखते हैं कि फिर हाँ, और यहाँ से और क्या पता चला? कि ये हमारे जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर भी साइक्लिक स्ट्रक्चर ही है. अब वो साइकिल किस तरह का है वो हमें नहीं पता, वो हम पता करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कहते हैं कि 3 डबल बॉन्ड ऑफ
बेंजीन रिंग, थ्री डबल बॉन्ड ऑफ बेंजीन शोज शोज डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेबिलिटी। एक तो बहुत अलग तरह की ये स्टेबिलिटी शो करता है, जैसा नॉर्मल डबल बॉन्ड में नहीं होता, ठीक है। थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेबिलिटी एंड शोज डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। तो बहुत अलग तरह की रिएक्शंस देती है ये डबल बॉन्ड, और बहुत अलग तरह की जो है यहाँ पे स्टेबिलिटी शो करती है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि किस तरह से अलग तरह की, वो हमें देखना होगा यहाँ पे, राइट। तो पहली बात तो जो नॉर्मल डबल बॉन्ड होते हैं, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि क्या कारण है हमने इसको बहुत अलग तरह का या बहुत असामान्य अनकॉमन स्टेबिलिटी जो है वो क्यों कहा है। तो जो ये होती है बेंजीन के डबल बॉन्ड, जो बेंजीन के डबल बॉन्ड होते हैं वो रुको एक मिनट, डबल बॉन्ड ऑफ बेंजीन does not oxidized with alcoholic no basic KMnO 4, right। क्या बताने की कोशिश करी मैं यहाँ पे कि जो बेंजीन के डबल बॉन्ड होंगे, वैसे अभी तक पता नहीं है, फिर भी हम लिख रहे हैं ये कि जो बेंजीन के डबल बॉन्ड होंगे वो जो नॉर्मल एल्कीन के डबल बॉन्ड क्या होते हैं, हमने ऐसी रिएक्शंस पढ़ी है कि ये जो KMnO 4 की उपस्थिति में ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। KMnO 4 की उपस्थिति में बेसिक सॉल्यूशन में ये डबल बॉन्ड जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, पर जो बेंजीन के डबल बॉन्ड होते हैं रिएक्शन करवा के पता चला कि ये तो जो है वो KMnO 4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होते ही नहीं है। तो ये बहुत असामान्य सी बात है, उस समय तो थी, अभी तो हमें सब कुछ पता है, बेंजीन के प्रॉपर्टीज पता है कैसे होता है, तो अभी हम बहुत इजीली कह सकते हैं, पर उस टाइम ऐसा नहीं था। उनको बहुत अजीब लगा कि ये क्यों नहीं, ये डबल बॉन्ड क्यों नहीं जो है वो बेसिक KMnO 4 के साथ ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही अजीब बात थी उनके लिए कि क्यों हो रहा है ऐसा। साथ ही यहाँ पे जो हेलोजिनेशन है बेंजीन का वो क्या करता है, नॉर्मली जो है क्या आपने रिएक्शन देखी होगी कि ये जो रिएक्शंस होती है नॉर्मल डबल बॉन्ड की, तो आप जब हेलोजिनेशन करवाते हैं, जैसे कि मान लो कि ये Cl2 के साथ हेलोजिनेशन करवाया, तो आप क्या करते हैं यहाँ पे HNu लिखते हैं ना, फ्री रेडिकल रिएक्शंस होती है यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे लिखते हैं HNu, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में ये रिएक्शन हो रही है, ओके। बिना प्रकाश की उपस्थिति में आप ये रिएक्शन नहीं करवाते हैं, ओके। पर इन केस ऑफ बेंजीन द हेलोजिनेशन कुड अकर इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पे ये भी बात है कि जो हेलोजिनेशन की रिएक्शन है, या फिर जो यहाँ पे अगर कहे कि ये हेलोजन का जो रिप्लेसमेंट है ये हटा के कुछ और ग्रुप यहाँ पे लगा देना, ठीक है, जैसे कि ये यहाँ से निकलेगा तो न्यूक्लियोफिलिक रिप्लेसमेंट होगा, यहाँ पे ये Cl- न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में होता है, और इसको किसी OH- से मान लो कि रिप्लेस कर दिया, तो ये जो रिएक्शंस होती है ना ये बेसिकली एल्कीन के केस में तो क्या होती है, एल्कीन के केस में तो ये HNu सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है। बट यहाँ पे जो बेंजीन के केस में है आपको HNu की जरूरत नहीं पड़ती, सूर्य की अनुपस्थिति में, सनलाइट की अनुपस्थिति में भी ये रिएक्शन हो जाती है, यानी कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो जो है वो सनलाइट की एब्सेंस में भी हो जाती है। समझ में आ गया ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो है हमारा वो है कि
बेंजीन के जो डबल बॉन्ड है, ये जो बेंजीन के डबल बॉन्ड है वो हेलोजन अम्लों से रिएक्ट नहीं करते। क्या बेंजीन के जो है डबल बॉन्ड वो हेलोजन अम्लों के साथ रिएक्शन नहीं देते हैं, जबकि जो नॉर्मल डबल बॉन्ड होते हैं ना, ये देखो हेलोजन के साथ नहीं देते, जबकि ये जो नॉर्मल डबल बॉन्ड होते हैं, नॉर्मल डबल बॉन्ड होते हैं वो क्या करते हैं, हेलोजन के साथ, हमने रिएक्शंस भी तो बहुत सारे पढ़ी है, मार्कोनी का रूल वगैरह पढ़े है ना हमने, ठीक है। तो वहां पे क्या होता था, वहां पे ये HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन हो जाती थी, पर यहाँ पे ये हेलोजन अम्लों के साथ रिएक्शन नहीं देते हैं। तो ये कुछ असामान्य सी बातें थी यहाँ पे कि ये तो ऑक्सीडाइज कैसे नहीं हो रहा है, ये हेलोजन का प्रतिस्थापन हो जा रहा है सन की सनलाइट के एब्सेंस में भी, और ये HCl के साथ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है, तो ये भी डबल बॉन्ड ही, ठीक है। तो यहाँ से फिर आइडिया लगा कि जो डबल बॉन्ड ऑफ बेंजीन है इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट इन नेचर, ठीक है। तो ये तो हो गई बात डबल बॉन्ड की नेचर की, डबल बॉन्ड का नेचर जो है वो डिफरेंट है। अभी भी हमें पता नहीं है, इस पॉइंट तक भी हमें पता नहीं है कि बेंजीन की स्ट्रक्चर कैसी है, ठीक है। तो यहां से फिर आगे आइडियाज लगाए गए कि चलो ऐसा है कि डबल बॉन्ड्स तो है, तो फिर और साइक्लिक स्ट्रक्चर भी है। सिर्फ इतना पता लगा है अब तक कि डबल बॉन्ड भी है, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी है, नेचर अलग है। तो फिर यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर का जो है वो आइडिया लगाया गया कि चलो देखते हैं कि साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसी कैसी हो सकती है। तो कुछ तीन साइक्लिक स्ट्रक्चर यहाँ पे दी गई, ये तीन तरह की, बस ये तीन तरह की साइक्लिक स्ट्रक्चर दी गई कि देख लो भाई इनमें से कुछ है क्या, एक्सपेरिमेंट करके देख लो इनमें से कुछ हो सकता है क्या, ठीक है। आपको भी अगर कुछ कहे कि अपना अपना दिमाग लगाओ, कोई फॉर्मूला दे दिया, अपना अपना दिमाग लगाओ कि इनकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, आप भी तो बस कुछ ना कुछ लगाओगे। अब जरूरी तो नहीं वो सही है, ठीक है, जरूरी तो नहीं केमिकल्स उसके साथ सही से रिएक्ट कर सकते हैं, वो फॉलो करते हैं रूल्स सारे, है ना। तो उन्होंने भी बस दिमाग लगाया कि देखो ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। अब ये प्रूव भी तो करना पड़ेगा, बातें करने से तो काम नहीं चलेगा, साइंस है तो बातें करने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको प्रूफ्स देने पड़ेंगे, है ना। तो फिर ये देखो कितना बढ़िया, पता नहीं था फिर भी किसी ने कह दिया कि भैया ऐसी भी हो सकती है ना। तो पता नहीं चलता कब क्या हो जाता है, राइट। तो ये तो दोनों फेल हो गई, ये दोनों तो फेल हो गई, इस पे आगे और एक्सपेरिमेंट्स चले। फेल क्यों हुई ये दोनों, अब ये इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों फेल क्यों हुई। तो यहां तक हमें पता था कि हमने रिएक्शंस करवाई थी, हमें पता था, और यहां तक इस टाइम तक आते आते जब तक जब आप इनकी स्ट्रक्चर दे रहे थे तब तक ये पता चल चुका था कि ये जो बेंजीन होते हैं इनके 3 isomers होते हैं। डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जो होगी, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हैज 3 isomers, ठीक है। डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के 3 isomer होते हैं, इस टाइम तक ये पता था, ठीक है। अब क्या इस स्ट्रक्चर में पॉसिबल है 3 isomer बनना, 3 isomer कौन से, ऑर्थो, मेटा और पैरा, ओके। वो बाद में नाम दिए गए, बाद में बिल्कुल नाम दिए गए हैं, पर पहले पता चल गया था कि आइसोमर होते, तब तक नाम नहीं पता था कि ये ऑर्थो कहेंगे, मेटा कहेंगे, पैरा कहेंगे, ठीक है। अब पता है इसलिए डायरेक्ट लिख रहा है, ओके। तो यहाँ पे क्या 3 isomer बनना पॉसिबल था, ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं था, ठीक है, ये तो किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं था। कि क्योंकि अगर आप यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगाए, यहाँ पे लगाए, एक ही बात है, दोनों स्ट्रक्चर जो है आइडेंटिकल होगी। आप यहाँ पे लगाए कि यहाँ पे लगाए, दो स्ट्रक्चर जो है वो आइडेंटिकल होगी, अलग अलग आइसोमर नहीं बनेगा। इसी तरीके से अगर इस डबल बॉन्ड पे रिएक्शन होके दो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे लगते हैं तो भी वही बात है। अब यहाँ पे नहीं लग के आप इस वाले कार्बन पे लगा दो, भले यहाँ पे नहीं लग के आप इस वाले कार्बन पे लगा दो दोनों पे, तो भी वही बात है जो पहले, क्योंकि ये तो पूरी साइकिल है और ये तीनों डबल बॉन्ड सेम है, तो फिर तो ये तो आइडेंटिकल हो गई ना, अलग अलग कैसे कह रहे हो आप,
अलग अलग आइसोमर थोड़ी हुए, यहाँ पे लगाओ या फिर यहाँ पे लगाओ एक ही बात है। तो बिल्कुल भी यहाँ से पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे दो तीन आइसोमर हो सकते हैं। मैक्सिमम यहाँ पे जितने आइसोमर्स पॉसिबल हो सकते थे वो दो ही हो सकते थे, इन दोनों स्ट्रक्चर में तीन नहीं हो सकते थे। फिर पता चला कि चलो अगर ये मान ले तो फिर तीन हो सकते थे, है ना, तो फिर तीन हो सकते थे कि चलो यहाँ पे लगा दूं यहाँ पे लगा दूं, नहीं डबल बॉन्ड इधर है। एक बार जब पता नहीं है तब तो आप जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहां पे ही लगाएंगे क्योंकि रिएक्शन वही होनी है। एक यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब फिर वापस से इन्होंने कहा नहीं जी यहाँ पे ना लगाओ और मैं तो लगा दूं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे लगा दूं, तो वो बात हो गई, मेटा हो गया। अब यहाँ पे ना लगा करके ये जो है तीसरा यहाँ पे लगा दे तो ये हो गया पैरा, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि यहाँ थोड़ी बात बन सकती है, यहाँ तो बन ही नहीं सकती क्योंकि यहाँ तो सिर्फ दो ही आइसोमर बन सकते हैं, तो यहाँ तो बातें नहीं बन सकती, तो इसको तो करो कैंसिल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी है, इस पर हम आगे स्टडी करें तो थोड़ा पॉसिबल है कि हमें कुछ रिजल्ट मिले, ठीक है। तो फिर इसको फिर आगे और स्टडी किया गया इस स्ट्रक्चर को, और इस स्ट्रक्चर को जिसने स्टडी किया वो था कैकुले, उसने आगे जो है इसे डिटेल में स्टडी किया, राइट। तो वो हम आगे देखेंगे कि कैकुले ने फिर आगे कैसे स्टडी किया, और ये जो स्ट्रक्चर दी थी ना, ये स्ट्रक्चर दी थी, हालांकि स्टडी जो है कैकुले ने किया पर ये जो स्ट्रक्चर दी थी वो दी थी फ्रेडरिक फ्रेडरिक ऑगस्ट फ्रेडरिक ऑगस्ट कैकुले, उसने दी थी 1865 में, उसने ये स्ट्रक्चर दी थी। फिर कैकुले ने आगे इसको आगे डिस्कस किया, ओके। तो देखते हैं आगे, फिर आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, आगे देखेंगे कि कैकुले ने इसको किस तरह से स्टडी किया आगे, और क्या क्या उसकी कमियां रही, क्या क्या वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया और क्या क्या उसने एक्सप्लेन किया। फिर उसके रेस्पेक्ट में कुछ एविडेंस और दिए गए दूसरे साइंटिस्ट द्वारा जिनको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो वो हम आगे इस नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, ओके, थैंक यू।